अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो आज हम बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में कोई भी रोटी है या ब्रेड है, तो हम लोगों ने उसको वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसको यूटिलाइज़ करना है और एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आपके घर में अगर कोई भी रोटी है, तो अगर वो एक दिन पहले की भी पड़ी है, तो आप लोगों ने उसको रोल कर लेना है और फिर इस तरह ऑयल के अंदर उसकी जो है वो स्ट्रिप्स काट लेनी है सीज़र से। और आप लोग यहाँ पे नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरह आप लोगों के लिए कन्वीनियंट हो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसको जो है अच्छे से सारी स्ट्रिप्स को काट लेना है। काट लेने के बाद हम लोगों आपने यहाँ पे इसे इतना फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए, और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इस तरह की रेसिपीज जो है ना, वो बनाते हुए बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि आपके घर वाले भी शौक हो जाते हैं कि हम क्या जो है वो बना रहे हैं। तो जब मैं ये रेसिपी बना रही थी, तो तब अचानक मामा जो हैं वो भी किचन में आ गई, और वो कह रही कि आप क्या कर रहे हो। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैं रोटी की स्ट्रिप्स काट के फ्राई कर रही हूँ, एंड शी वाज शॉक्ड। और जब मैंने उन्हें पूरी जो है ना डिश बनाकर खिलाई, और उन्हें बहुत ही पसंद आई और बहुत ही अमेजिंग थी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए, इसका जो कलर है वो हल्का सा हम लोगों ने ब्राउन कर लिया, और इसके अंदर से एक्सेसिव ऑयल जो है वो अच्छे से हम लोगों ने निकाल लेना है। और ये क्रंची बनकर रेडी है, और आप इनकी आवाज़ सुनिए कितनी अमेजिंग है। तो जनाब, आप हम इसके अंदर ऐड करेंगे काले चने, जो कि सबके फेवरेट होते हैं और मेरे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो, यानी कि टमाटर। और जो टमाटर होता है वो रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, तो आप लोग इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर चॉप्ड ऑनियन ऐड करेंगे, और अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली, जो कि सबकी फेवरेट होती है और मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हर डिश में हम लोगों ने इसको ज़रूर ऐड करना होता है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून लेमन जूस, आप लोग इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद चाट मसाला, ये होममेड चाट मसाला है, और आप अपने टेस्ट के लिहाज से जितना भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद है साल्ट, और ये देखिए हमारी रेसिपी बन के रेडी है। और यहाँ पे ये हमारी रोटी चना चाट बनके रेडी है, और ये मैंने इसे नाम दिया है, और वाकई बहुत ही अमेजिंग थी खाने में। तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका रोटी का जो क्रंच आता है आपके मुंह में, वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे रिव्यू कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।